हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुड फूड विद प्रिया। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पत्ता गोभी मंचूरियन, जो कि हम घर पे ही बना सकते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल और बहुत ही हाइजीनिक बनेगा घर पे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक पत्ता गोभी को अच्छे से धो के ग्रेट करके रख दिया है। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब हमें यहाँ पे ऐड करना है मैदा और कॉर्नफ्लोर। तो मैदा और कॉर्नफ्लोर जो है मैंने 3 टेबलस्पून लिए हैं। तो इन्हें जो है पहले इतना सा ही डालें और अच्छे से मिक्स करने के बाद अगर ज़रूरत पड़े तो आप और भी ऐड कर सकते हैं, बट हमारा बैटर जो है इसी में अच्छे से बन गया था। तो अब हमें यहाँ पे छोटी छोटी बॉल्स रेडी करनी है इस तरीके से। तो देख लें कि अच्छे से बाइंड हो रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से ये बॉल्स रेडी करके रखते हैं मंचूरियन की। और अब ऑयल गर्म होने के बाद 1 बाय 1 करके हमें ये बॉल्स इसमें अच्छे से फ्राई करनी है। तो गैस की फ्लेम जो है बिल्कुल स्लो रखें, क्योंकि ये मंचूरियन बॉल्स बिल्कुल ब्लैक हो जाती है तेल में डालते ही, अगर तेल ज़्यादा गर्म है तो। तेल की जो हॉटनेस का थोड़ा ध्यान रखें यहाँ पे। और जैसे ही ये ब्राउन ब्राउन होने लगेंगे तो हम गैस की फ्लेम मीडियम कर लेंगे और इन्हें निकाल देंगे। तो ये जो मंचूरियन है अंदर से अच्छे से पकने चाहिए, इसलिए इनमें टाइम लगता है। तो अब एक्सेस स्ट्रेन ऑयल जो है स्ट्रेन करके मैं इसमें एक प्लेट में निकाल दूंगी मंचूरियन बॉल्स। तो इस तरीके से मैंने सारे मंचूरियन फ्राई कर दिए थे। अब हमें एक पैन में ऑयल डालना है और ऑयल डालने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी ढेर सारा लहसुन बारीक कटा हुआ। ढेर सारा मीन्स 15 to 20 कलियाँ जो है लहसुन की है, ये मैंने बारीक चॉप की है। इसके बाद इसमें डाल देंगे हम ग्रीन चिलीज और प्याज। प्याज मैंने यहाँ पे 2 लिए हैं और हरी मिर्च जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें, जितना आपको तीखा पसंद है। जैसे ही प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाएगा हम इसमें शिमला मिर्च ऐड कर लेंगे। तो शिमला मिर्च भी जो है इस तरीके से बारीक बारीक छोटी कट करें और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें। इसके बाद यहाँ पे हम सॉस ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे डाला है रेड चिली सॉस, टोमेटो सॉस और इसके बाद हम ऐड करेंगे सोया सॉस। तो ये सॉस जो है मैंने यहाँ पे 1-1 टेबलस्पून लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। और यहाँ पे मैंने नमक ऐड नहीं किया है क्योंकि सॉस में ऑलरेडी नमक रहता है। इसके बाद मैं यहाँ पे 1 गिलास पानी डाल दूंगी और इस पानी में हम बॉईल आने देंगे अच्छे से। जैसे ही बॉईल आ जाएगा तो मैंने यहाँ पे 1 स्पून जो है कॉर्नफ्लोर में पानी ऐड करके इसमें डाल देना है, ताकि जो ग्रेवी में जो है रिचनेस और थोड़ी सी थिक बन जाए हमारी ग्रेवी। तो ये हमारी ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। अब हमें इसमें मंचूरियन ऐड करने हैं जो हमने फ्राई करके रखे थे और इन्हें अच्छे से मिक्स करना है। तो गैस की फ्लेम जो है मीडियम रखें और इन्हें फटाफट से मिक्स कर लें। इसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे स्प्रिंग ऑनियन बारीक कटे हुए और हमारा ये मंचूरियन जो है रेडी है बिल्कुल। तो नमक जो है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लग रहा है तो आप ऊपर से डाल सकते हैं थोड़ा सा। तो हमारा मंचूरियन जो है रेडी है बिल्कुल। तो अब मैं इसे कुछ इस तरीके से सर्व करूँगी। तो ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बना था, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। और अगर आपने एक बार ये बना लिया तो आप डेफिनेटली बाहर से कभी भी ऑर्डर नहीं करेंगे मंचूरियन। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और ऊपर से मैं कुछ स्प्रिंग ऑनियन गार्निश कर रही हूँ। तो इसी तरीके से मेरे वीडियोज़ देखते रहें। थैंक यू। Thanks for watching my video. Keep supporting my channel as well as you are doing. Thank you.